अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सुजन एस के, और आज मैं बनाने वाला हूँ एक वीडियो जो कि मेरा एक प्रो बाइकर का मैंने ग्लव्स ऑर्डर किया था तो वो आज आ गया है और मुझे वो अभी मिला। एक अंकल के दुकान से मैंने ऑर्डर किया था, वो कलकत्ता गया था वेलिंगटन, वहाँ से ही वो अपना दुकान का सारा सामान खरीदता है। तो उसने मुझे बुलाया और बोला कि तेरा ग्लव्स आ गया, तो मैं चला गया दुकान पे। और चलिए दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं, प्रो बाइकर का ग्लव्स कैसा है देखते हैं। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही सस्ता ग्लव्स है जो आप लोग देख ही सकते हैं। कलर भी इसका ब्लू है, मेरा बाइक का कलर भी ब्लू है। और आज दोस्तों मैं कॉलेज नहीं गया क्योंकि मेरा तबीयत जो है वो थोड़ा ख़राब है। दोनों को निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इसके साथ एक कार्ड भी मिलता है आपको, प्रो बाइकर का जो लिखा हुआ होता है मोटो स्पोर्ट गियर प्रो ग्रिप। और यहाँ पे जो कहाँ का मेड है वो लिखा हुआ है, और ये शायद एक्सल है मेरे ख्याल से, आप लोग देख सकते हैं डायरेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो चलिए इस कार्ड को साइड पे रखते हैं और दिखाते हैं आपको इसका लुक। इसका फ्रंट लुक आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे एक प्रो बाइकर का लोगो भी देख सकते हैं आप, और यहाँ पे भी एक लोगो है प्रो बाइकर का, ये देखिए प्रो बाइकर। यहाँ पे एक लिखा हुआ भी है छोटा सा, रेसिंग इक्विपमेंट। और दोस्तों ये जो है, ये आपका जो हाथ का इस साइड को ये ब्लॉक करता है, कोई अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो ये आपके हाथ को बचाए रखता है। और दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्लू कलर में, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे उंगलियों के लिए भी यहाँ पे ग्रिप दिया हुआ है ब्लैक और वाइट में। और दोस्तों इसका जो दूसरी तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस साइड का रहता है। और दोस्तों इससे जो ग्रिप मिलती है वो अच्छी मिलती है लोग बोलते हैं, तो मैंने ऑर्डर किया था। मेरा पुराना वाला तो उतना अच्छा नहीं रहा, अब ख़राब हो गया, बहुत दिन हो गया उसको, एक दो साल तो मैंने चलाया। और देखते हैं कि ये कितने दिन चलता है कैसा है। तो जब मैं बाइक का ट्रायल करूँगा इससे तो एक और वीडियो बना दूँगा आप लोगों के लिए, अभी तक तो इसका रिव्यू भी बना रहा हूँ मैं। और दोस्तों मुझे ये पड़ा है 300 रुपये का, आप फ्लिपकार्ट में भी देख सकते हैं प्रो बाइकर का ग्लव्स, वहाँ पे भी 300 साढ़े 300 के करीबन है। और मुझे थोड़ा सा अंकल की तरफ से डिस्काउंट भी मिला है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है यहाँ पे, आप किसी भी बाइक में यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ी बाइक है, छोटा बाइक है, और थोड़ी दिनों में तो ठंड भी आने वाली है तो हमको तो एक लगना ही था। और वैसे भी सेफ्टी राइडिंग गियर्स पहन के ही चलाना अच्छा होगा बाइक के लिए और आपके लिए भी, क्योंकि अगर धूप में चला रहे हैं आप तो आपका हाथ जो है वो काला हो जाता है धूप की वजह से। तो इसीलिए ये कुछ लोग यूज़ करते हैं धूप की वजह से, और ठंड के लिए भी, ठंड के टाइम भी यूज़ होता है ये। और दोस्तों मैंने जो ख़रीदा है ये ठंड के लिए भी है, धूप के लिए भी है, और मैं स्पेशली इसको ख़रीदा है बाइक राइडिंग के लिए। और जो मैं ब्लॉगिंग शुरू कर दिया है मैंने, तो दोस्तों मुझे तो ये ख़रीदना ही था। मैंने एक नी गार्ड भी ऑर्डर किया है, मैंने एक मॉक्सी का हैंडल बार भी ऑर्डर किया है, तो मैं अपना बाइक का हैंडल चेंज करवा रहा हूँ। और दोस्तों मैं उसका भी एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, तो दोस्तों आप लोग तो देख रहे होंगे ये कैसा है। मैं आप लोगों को एक बार पहन के दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है ये, मैं लेफ्ट साइड पर पहनता हूँ। देखिए दोस्तों ये एकदम फिट आएगा हाथ में, मैं इसको लगा देता हूँ अभी, ये लग गया। तो चलिए दोस्तों आप लोग तो देख रहे होंगे कैसा लग रहा है ये पहन के, मैंने ज़्यादा टाइट नहीं किया इसको, ये एकदम फिट है मेरे हाथ में, लुक भी काफ़ी अच्छा दे रहा है सामने से। और आप अगर गिर भी जाते हैं यहाँ पे तो सेफ्टी तो बनाया हुआ है प्रो बाइकर का जो कंपनी है, काफ़ी अच्छा लुक है इसका। तो दोस्तों आप अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं इसको ख़रीद के कि कैसा ग्रिप है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये इसको ख़रीदिए आप, ये अच्छा है बहुत मेरे ख्याल से। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आप लोग मेरे नए नए वीडियो देखते रहेंगे यूट्यूब पर। तो चलिए दोस्तों, बाय।